काबू कैसे करें, इसके बारे में बातचीत करने वाला मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ और पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी लोग हमारे पास में आते बोलते कि नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब मैं पूछता हूँ मेरे लेक्चर्स में, भाषण देता हूँ, पूछता हूँ कोई वर्कशॉप में पूछता हूँ कितने लोगों को गुस्सा आता है, तो सभी के दो दो हाथ ऊपर रहते, एक नहीं दो, इतना लोगों को गुस्सा आता है। बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि इनको गुस्सा आता ही नहीं, मगर गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आता है, गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बोलना एक तरह से गलत है। गुस्सा हम लाते हैं, एक मजाक में ऐसा बोलूं मैं आपको, गुस्सा मतलब ऐसी कोई लैटरिन है कि वो आ गई, मेरे को जाना ही पड़ेगा और वो करना ही पड़ता, क्या पेशाब आ ही जाती है, लैटरिन आ ही जाती है, ऐसे होते गुस्सा ऐसा आता नहीं है कि नहीं मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो मैं गुस्से के बारे में बताता हूँ कि गुस्से से नुकसान कितना होता है, गुस्से से अपने बदन के ऊपर कितना नुकसान होता है। गुस्से वाले लोग होते हैं उनको अक्सर ब्लड प्रेशर आपको दिखाई देगा ज्यादा हुआ, गुस्से वाले लोगों को काफी सारी शारीरिक बीमारियां होती है, गुस्से वाले लोगों के संबंध लोगों के साथ में खराब हो जाते हैं। गुस्से से नुकसान कितना होता है, संबंध में कितनी खराबी होती है, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लड़का बहुत गुस्सा करता था, 12-13 साल का लड़का है अप्रॉक्सीमेटली, और उसको पिताजी बोलते हैं तू खूब गुस्सा करता है, वो चिल्लाता है, कुछ भी बोल देता है गुस्से में, बाद में तो सॉरी भी बोलता है, मगर इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, जरा कंट्रोल कर। बोले नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा बात करना। फिर पिताजी उसको बोलते हैं कि ठीक है तो अभी ऐसा कर, गुस्सा कंट्रोल करना है तो मैं तुमको एक एक्सरसाइज देता हूँ, आपने क्या करना है, जब जब गुस्सा आया तो दीवार में एक खिल्ला ठोकना है, एक गुस्सा एक बार आ गया, गुस्सा किया, चिल्लाए तो खिल ठोकने का है, ऐसा करो। ठीक है मैं करता हूँ, बच्चे ने मान लिया, उसने वैसे हो गया जैसा गुस्सा किया, उसने खिल ठोका, एक दिन में शुरू में 30 खिल ठोके गए, 30, इतने बार उसने गुस्सा किया था। बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर क्या हो गया कि वो उसको दिखता रहा बच्चे को कि नहीं वो खिल ठोक रहा है और 30 बार उसको ठोकना पड़ा। क्या हो गया कि दूसरे दिन वो जो नंबर था खिल ठोकने का वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, दूसरे दिन वो कुछ 28-29 हो गया, 27-28 हो गया, ऐसा करते 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 ऐसा कि 1 महीने तक वो चलते रहा, खिले ठोकने का जो उसका नंबर था वो कम कम होते गया और आखिर में बिल्कुल खिला ठोकना बंद हो गया, हार्डली 1 या 2 खिले वो ठोक देता था। बोले देख जब तुमको ये दिखा कि देखो खिले ठोक रहा है तो दीवार खराब हो रही है, दीवार अच्छी दिखती नहीं है, देखो ये कैसा गंदा दिखता है दीवार, अच्छा नहीं है, वैसे गुस्सा है, जब गुस्सा आप करते हैं तो सब खराब हो जाता है, वातावरण खराब हो जाता है, लोगों के ऊपर असर पड़ता है। पर ठीक है इतना ही नहीं, अब ऐसा कर अब तो सब खिले निकाल ले, तो उसको सब खिले निकालने के लिए बोलते हैं, खिले जब निकाल लेते हैं तो वो दीवार में छेद दिखते हैं, कितने सारे छेद और दीवार एकदम खराब। बोले देखो अभी आपने भी खिले निकाल लिए, देखो दीवार अभी कितनी खराब हो चुकी है। क्या होता है हम गुस्सा करते हैं, बाद में हो सकता है कि हमने गुस्सा करने के बाद में सामने वाले को सॉरी बोला, उसकी माफी भी मांग लिया, उसके पैर भी पकड़ लिया, लोग बोलते नहीं नहीं वो गुस्सा करते बाद में माफी भी मांग लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक बार वो तीर कमान से निकल गया, सामने वाले को लग गया, उसके हृदय को लग गया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई, बाद में आपने सॉरी भी बोला, कुछ भी बोला, तभी रिश्ते उतने अच्छे रहते नहीं जितने पहले थे। वो दीवार उतनी अच्छी अभी कितनी भी करो, जितनी पहले अच्छी दीवार थी उतनी अच्छी हुई नहीं या होंगी नहीं, ऐसा बच्चों को जब दिखा तो उसका गुस्सा ही कम हो गया। हमारे रिश्तों में ऐसे होता है कि गुस्सा यदि ऐसा आपको आता है तो आप देखो कि आपने रिश्ते कितने खराब कर लिए। और गुस्सा मैं बोलता हूँ कि आप लाते हो, तो गुस्सा किसके ऊपर आप करते हो, गुस्सा करते हो जिसके ऊपर आप गुस्सा कर सकते हो उसके ऊपर गुस्सा करते हो, किसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो, अपने से छोटा व्यक्ति, अपने से कम पावर वाला, कम अथॉरिटी वाला, जो आपके आंख पे आएगा नहीं, जो आपको उल्टा जवाब देगा नहीं, जो आपको फिर मारामारी करने के लिए आएंगे नहीं, उसको और वो कौन लगे, ज्यादातर घर के लोग, ऑफिस में आप बॉस के साथ में हो, आपको पता है कि बॉस ने निर्णय जो लिया वो ठीक नहीं है, आपको डांट पड़ी, मालूम है आपको कि वो ठीक नहीं है, आपने बराबर किया था, आपको फालतू डांट पड़ी, बहुत गुस्सा बॉस का आ रहा है, ऐसा लगता है उसको एक टिका था, मगर वो आप मारेंगे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगे, यस सर नो सर यस सर नो सर करके चुपचाप घर पे चले आएंगे। क्यों, आपको मालूम है कि वो अथॉरिटी है, बॉस ऐसा बोल रहा है हम चुप बैठेंगे, जब वहां चुप बैठ सकते, जब बहुत गुस्सा आता है तभी भी
इसका मतलब आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। होता क्या है कि बॉस का धंधे पानी का सब गुस्सा, सब वहां का जो इंसल्ट है, सब वहां का टेंशन है, सब लेके आप घर पे आएंगे और घर के जो लोग हैं, जो अभी सबसे कमजोर है, क्योंकि आप उनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे। टारगेट कौन है? बच्चे, पत्नी और कोई घर के लोग जो आपको उल्टा जवाब देंगे। तो आपने ये देखना है किसी के ऊपर गुस्सा ना करो। गुस्सा आने के कारण जो रहते हैं उसमें एक रहता है कि बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना, और अपेक्षा रखते हैं तो अपेक्षा भंग हो जाता है, अपेक्षा भंग हो गया कि गुस्सा आता है। दूसरा है कि हमारा उद्देश्य जो है वो पूर्ति नहीं होना, उद्देश्य पूर्ति इंटेंशन पूरा नहीं होता है। जब मेरा उद्देश्य जो है वो सफल नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आता है, मैं अपसेट हो जाता हूँ, या फिर मैं किसी को सीधी बात नहीं कर सकता हूँ, स्ट्रेट बात नहीं कर सकता, मुझे बोलने की बहुत इच्छा है मगर मैं चुपचाप रहता हूँ, सीधी बात करता नहीं, सीधा बोलता नहीं हूँ, मन के मन में रखता हूँ और फिर कहीं से भी गुस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो आप वो सीधी बात करेंगे लोगों के साथ में, चुपचाप नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना नहीं, और अपेक्षा रखी तो बोल दो कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, और आपका जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, पर्पज है, वो पूरा हो सकता है, पूरा नहीं भी हो सकता है, उसके लिए सजग है। तो आपको गुस्सा एकदम कम से कम आए। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आप लाते हो। गुस्सा एक रिएक्शन है, हर बार आप कुछ स्टिमुलस बाहर से आता है, गुस्सा आप अकेले बैठे नहीं करेंगे, कुछ तो भी होता है गुस्सा आता है, कुछ तो भी होता है गुस्सा आता है। तो कुछ भी स्टिमुलस आता है, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा उस सेकंड के लिए रुकना है, पूछना है क्या मैं सामने वाले को सुन सकता हूँ, चुप बैठ सकता हूँ, कुछ ना बोलते हुए सिर्फ सुन के रह सकता हूँ, चुप, सामने वाला कितना भी गलत आपको लगता हूँ, सामने वाला कैसा भी लगता हूँ, क्या मैं चुप रह सकता हूँ, नहीं तो वहां से निकल जा सकता हूँ तो वहां से निकल जाओ। पानी पीना है तो वहां थोड़ा पानी पी लो, एक गिलास भर, ताकि आपका गुस्सा तुरंत आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और फिर देखो कि सामने वाले ने जो भी किया, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा उसने क्यों किया, उसको समझ लो, उसको सुन लो, जो भी हो रहा है वो समझ लो। कोई ब्रेकडाउन हो गया, फेल हो गए, पैसा निकल गया, नुकसान हुआ, जो भी हो गया वो हो गया, वो पास्ट में हुआ है, अतीत में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचो। तो आप एक शांत दिमाग के व्यक्ति नजर आएंगे लोगों को, और होंगे भी, और शांत दिमाग के व्यक्ति आप रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं आएंगी, आपके संबंध लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, सभी आपके दोस्तों को शेयर करो जिनको जिनको गुस्सा आता है। मैं अभी बोला गुस्सा सभी को आता है, तो आपके जितने भी आपके इसमें लोग होंगे कॉन्टेक्ट उसमें, सबको ये वीडियो शेयर करो, ताकि एक हम ऐसा समाज निर्माण करेंगे कि वहां गुस्से लोगों को आता नहीं, सब एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं, सबके संबंध एक दूसरे में बहुत बढ़िया है, और एक अच्छा समाज हम निर्माण करेंगे। हमारे एक ऐप है डॉक्टर केलकर मनोविकास, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से फ्री ऐप है, इसके ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।